काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर मुझे बहुत आलस आती है, मुझे काम करना होता है बट मैं उठ ही नहीं पाता, मतलब मैं सोफे पे बैठा हूँ, मेरे को पता है मुझे वो काम करना है बट मेरे से हो नहीं पाता, तो मैं क्या करूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीएम प्रतीक ठक्कर और आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी आलस को डेफिनेटली बहुत हद तक दूर कर सकोगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आलस को दूर करना कैसे, बट उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको आलस आती क्यों है, यानी कि उसके रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन जो मेरे को लगता है, उस रीजन से काफी सारे स्टूडेंट्स को आलस आती है, तो सबसे पहला रीजन है कि वो थकान फील करते हैं, टायर्ड होते हैं। यानी कई बार होता क्या है कि कम नींद के कारण हम थकान फील कर रहे होते हैं, उसके कारण हमें आलस आती है, हमें वो काम करने का, कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका रीजन ये है कि आप थके हुए रहते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोगों की हैबिट हो जाती है, सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ रहे होते हैं, ठीक है, लेट नाइट में काम कर रहे हैं 2-3 दिन से 2-3 बजे, बट जो अपनी हैबिट होती है ना सुबह जल्दी उठ जाना, तो वो ऑटोमेटिक अपनी आंख खुली जाती है 7 बजे अराउंड, ठीक है, तो उसके कारण आपको थकान होती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको नींद कम के कारण या थकान के कारण अगर आपको ये फील हो रहा है कि लेजीनेस हो रहा है, तो आप काम करिए कि आप एक आध घंटा नून में सो जाइए, या ट्राई करिए अगर आपको टाइम मिलता है तो छोटे छोटे नैप ले लीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी है वो वापस आ जाएगी और आप काम सही तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहला रीजन आलस आने का मैंने बताया, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। दूसरा रीजन जानने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताना चाहूंगा, मेगा फ्री रिविजन टेस्ट सीरीज फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अन अकेडमी लेके आया है Group 1 and Group 2 दोनों के लिए। अमेजिंग मेगा रिविजन फ्री टेस्ट सीरीज, जो यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 40 मिनट्स का ये होने वाला है जिसमें 20 MCQ होने वाले, फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। ये MCQ टेस्ट होने वाला है फॉर May 2022 अटेम्प्ट के लिए। यहाँ पे आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसमें फ्री में ज्वाइन होना चाहते हो तो यूज माई कोड SBClub10, SBClub10 कोड का यूज करके आप इस रिविजन सीरीज को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ टॉप रैंकर्स इन इच टेस्ट टू विन JBL स्पीकर एंड नॉइस स्मार्ट वॉच और हेडफोन, तो यहाँ पे आपको ये अमेजिंग गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो आप जरूर से इसे अटेंड कर सकते हो। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CA स्टूडेंट्स नाउ अवेलेबल इन CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट also। अगर आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, आपके लिए डेली स्कॉलरशिप का टेस्ट यहाँ पे होता है, तो आप इसे जरूर से ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है टेस्ट को सिलेक्ट करके, और आप डेली एक स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इसे आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में ज्वाइन करने के लिए यूज माई कोड SBClub10। तो दूसरी ट्रिक जो आपको यूज करनी है आलस को भगाने के लिए, वो ये है कि आपको ये जानना है कि उस काम को करने का रिजल्ट क्या है और ना करने का रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टडी करने में आलस आ रही है, ठीक है, या आपको कोई काम करना है जो आपको आलस आ रही है, फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को जिम जाना है बट आलस आती रहती है, तो आप दोनों का रिजल्ट देखिए। अगर आप वो काम करते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी, एंड अगर आप काम नहीं करते तो आपकी लाइफ कैसी होगी। वो जो रिजल्ट होगा ना, उसको बार बार सोचिए कि यार अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगर पढ़ाई नहीं करता तो मेरे को ये रिजल्ट मिलने वाला है। दोनों रिजल्ट जब आप विजुलाइज करोगे आपके सामने, डेफिनेटली यू विल चूज अ बेटर वन कि आपको उसी के लिए जाना है। तब आपको अंदर से ये होगा कि नहीं यार मेरे को काम करना है। देखो सिंपल सी बात है, जब हमें आम का पेड़ दिखता है ना, तब उसमें आम दिखते है ना, तभी हम पत्थर मारते हैं, आम दिखे बिना हम पत्थर नहीं मारते। यानी जब हमें रिजल्ट दिखता है तब हमें उसको खाने का मन होता है, हमें उस तक पहुंचने का मन होता है। तो आपको खुद को वो रिजल्ट दिखाना बहुत जरूरी है कि अगर मैं काम करता हूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वो जो एक बोलते हैं ना कि यार जो लालच आ जाती है ना, तो वो चीज मेरे को पानी है भाई, वो चाहिए मेरे को। तो उसके लिए आप डेफिनेटली आप काम करना, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को जरूर से मिलेगा। तो ये चीज भी आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। एंड थर्ड थिंग इज डू इट एटलीस्ट वंस। ठीक है, आपको लग रहा है मेरे को बहुत आलस आती है पढ़ाई करने में, जिम जाने में, ठीक है, एक दिन के लिए कर लीजिए, बस एक दिन के लिए। आपको ये सोचना है मेरे को डेली नहीं करना भाई, मेरे को सिर्फ एक दिन करना है, और अगर वो एक दिन शुरू कर दिया, आपको भी पता है जो लोग जिम जाना चाहते हैं, ठीक है, बट जा नहीं पाते, अगर आप सोच रहे हो मेरे को जाना है बट हो नहीं पा रहा है, बट आप जिस दिन एक दिन के लिए जाओगे ना, दूसरे दिन से आप रेगुलर हो जाओगे। सेम चीज स्टडी में, आप करना चाहते हो स्टडी बट बैठ नहीं पा रहे हो, ठीक है, करूंगा आप टाल रहे हो, बट एक बार बैठ जाओ
देन आफ्टर आपका कोई टेंशन नहीं, फिर आप रेगुलरली उसको पढ़ाई कर पाओगे। ये आपके साथ भी हुआ होगा, तो आई होप आप ये तीन चीज़ों का जरूर से यूज़ करिए। बाकी जो बीच में चीज़ बताई उसके लिए मैंने आपको लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर क्लिक करिए और ज़रूर से उसे विजिट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर जरूर से करिए। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।